हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी काफी अच्छा काम करे, बता नहीं सकता हूँ, दिलों में गहरा इम्पैक्ट बनाने का काम हमारे डायनेमिक सीएम आदरणीय हेमंत सोरेन जी कर लिए। पीएम आवास की किस्त आप दे नहीं पाते हैं, 1,20,000 में आप सोचते हैं कि आवास बन जाए, भाजपा का नेता 1,20,000 में हमको लगता है कि एक दिन होटल का खर्चा उड़ा देता है खाली, और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने अबुआ आवास में 2,35,000 रुपया हम लोग दे रहे हैं, बनाओ अच्छा घर बनाओ। तो लोगों का रुचि पीएम आवास में नहीं है, मुख्यमंत्री आवास पे है, हेमंत सोरेन जी के आवास पर है। उसी तरह हमारे मुख्यमंत्री जी ने झारखंड में ऐसा काम किया, अब सभी धर्म के लोग भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, हमारी सरकार को वोट करेंगे। और भाजपा पराया है, बेगाना है, हमारे देश में आज भी इतनी गरीबी है कि आज भी किसी के पास मैडम डॉक्यूमेंट नहीं है। मैं गवाह हूँ, मेरे चले जाइए झारखंड में जामतरा विधानसभा में, ठगाडक ठगाडक ठगाडक, हाँ छाप लंडन छाप तीर छाप, तीर छाप हाथ छाप लंडन छाप, लंडन छाप तीर छाप हाथ छाप, एकदम ठगाटक। व्हाट डू मीन बाय गोगो, कैन यू एक्सप्लेन मी, आई एम आस्किंग टू ऑल द सीनियर लीडर्स ऑफ बीजेपी, कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट डू मीन बाय गो एंड गो। नमस्कार, एसटी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग कभी भी झारखंड में आचार संहिता लगा सकता है, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी कमर कस ली है। बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है, लगातार झारखंड दौरे पर पीएम मोदी पहुंच रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। तो हमारे साथ खास बातचीत के लिए मंत्री इरफान अंसारी हैं। सर, एसडी न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद गौरी। आज जो पीएम मोदी फिर झारखंड दौरे पर आए हैं, साहिबगंज में भाषण देंगे आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव, वो हजारीबाग आ रहे हैं, साहब मुझे तो नहीं जानकारी है, आने दीजिए मैडम, सरकारी कार्यक्रम है। मैंने देखा है जब पेपर में अखबारों में हमारे मुख्यमंत्री जी ने सारे लोगों ने हम लोग वेलकम किया है, एज ए प्रधानमंत्री वेलकम किए हम लोग, प्रधानमंत्री की हैसियत से आ रहे हैं तो वेलकम है। मेरा मांग होगा उनसे कि देखिए बिहार में आपने फंड दिया, पैकेज दिया, हैदराबाद में पैकेज दिया आप, झारखंड हमारा राज्य है, गरीब राज्य है और हम लोग अपने आप में काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, सांप्रदायिक शक्तियों से हम लोग लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम से हम लोग लड़ रहे हैं, भाईचारगी से हम लोग मार झेल रहे हैं। तो ऐसे में समय है कि हम लोग को इन सारी बातों से, इन सारी इश्यूज को हटाकर आपसी प्रेम के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी काफी अच्छा काम करे, बता नहीं सकता हूँ, दिलों में गहरा इम्पैक्ट बनाने का काम हमारे डायनेमिक सीएम आदरणीय हेमंत सोरेन जी कर लिए। लोगों का सम्मान, युवाओं का सम्मान, माताओं का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, बहनों का सम्मान एकदम लेके चल रहे हैं। तो बैड एलिमेंट घुस गया है, डिस्टर्ब कर रहा है बाहर से, बैड एलिमेंट बीजेपी। देखिए आने वाले विधानसभा चुनाव को सभी पार्टी जो है वो अपनी कमर कस लिए, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो या तमाम दूसरे दल की बात कर ले, लेकिन आज हजारीबाग में जब पीएम मोदी पहुंचेंगे तो 1,000 करोड़ का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे और जनता को सौगात देंगे, लेकिन इन सबके बीच वो झारखंड विधानसभा चुनाव भी साधेंगे। तो ऐसे में आप लोग कैसे देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी झारखंड, बीजेपी के नेता झारखंड दौरे पर आ रहे हैं, तो इससे उनके परिवर्तन यात्रा का कितना असर दिखेगा? देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पहली बार दौरा नहीं हो रहा है, हमारे विभाग का कार्यक्रम था, आपने पीएम आवास दिया तो लोग लेना नहीं चाहते हैं पीएम आवास, लोगों चाहिए अबू आवास। पीएम आवास की किस्त आप दे नहीं पाते हैं, 1,20,000 में आप सोचते हैं कि आवास बन जाए, भाजपा का नेता 1,20,000 में हमको लगता है कि एक दिन होटल का खर्चा उड़ा देता है खाली। जो भाजपा के नेता आए हुए हैं झारखंड में उनका हिसाब अगर आप आरटीआई मांग लीजिएगा तो प्रतिदिन 2-3 लाख का खाना खा रहा है लोग, और एक गरीब का आवास को आप दे रहे हैं मात्र 1,20,000। और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने अबुआ आवास में 2,35,000 रुपया हम लोग दे रहे हैं, बनाओ अच्छा घर बनाओ। तो लोगों का रुचि पीएम आवास में नहीं है, मुख्यमंत्री आवास पे है, हेमंत सोरेन जी के आवास पर है, अबुआ आवास पर है।
तो हम लोग तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए एक कहावत है कि अब्दुल्ला शादी में बेगाना दीवाना। तो झारखंड हमारा है, भाजपा के लोग बेगाने लोग हैं, लोग आए हैं, दीवाना बनना चाहता है, नहीं होगा ना। हम लोग यही हैं, हम लोग यही रहते हैं, हम लोग यहाँ राज करते हैं। गरीब हमारा, आदिवासी मेरा है, दलित हमारा है, ओबीसी, ब्राह्मण, आदिवासी, मुस्लिम, सभी धन, सभी धर्म मेरा है। हमारे मुख्यमंत्री सबको लेकर चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए झारखंड में बंगाल के तर्ज पर काम कर रहे हैं हम लोग। जिस तरह से सभी धर्म के लोग बंगाल में ममता दीदी को वोट करता है, उसी तरह हमारे मुख्यमंत्री जी ने झारखंड में ऐसा काम किया। अब सभी धर्म के लोग भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, हमारी सरकार को वोट करेंगे। और भाजपा पराया है, बेगाना है, कभी भी हमारा हितेशी नहीं सोचा। हम लोग मूर्ख हैं, हम लोग गंवार हैं, हम लोग गरीबी है हमारे यहाँ, रिसोर्स कोयला, लोहा, पानी, सोना, सब कुछ हमारे, खनिज संपदा सब कुछ हमारे पास है। हम लोग गरीब हैं और माला माल भाजपा के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं। भाजपा को हमारे लोगों से प्यार नहीं है। तो हम लोग ये मैसेज देने में सफल हो रहे हैं कि देखिए हमसे प्यार कीजिए, हमारे रिसोर्स से आप प्यार कीजिए। और दुर्भाग्य इस बात का है 14 सांसद, ठीक है मैडम, 8 सांसद यहाँ के नहीं है। किसी भी सांसद, मैं तो आरटीआई मांगने जा रहा हूँ, मैं तो चुनौती देता हूँ, कोई भी सांसद ये बता दे कि आपने आदिवासियों का मुद्दा सदन में उठाया हो, मुसलमानों का मुद्दा आप सदन में उठाए हो, दलित का मुद्दा आप सदन में उठाए हो, ओबीसी का मुद्दा आप सदन में उठाए हो, ब्राह्मणों का मुद्दा आप सदन में उठाए हो, भूमिहार राजपूत का मुद्दा अगर आप सदन में उठाए हो, बताइए, गढ़वाल का मुद्दा अगर आप सदन में उठाए हो, फोटो खिंचवाने से नहीं होता। इन लोगों ने मुद्दा क्या उठाया मैडम, एनआरसी, सुनिए देखिए। तो हिमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो झारखंड में एनआरसी लागू होगा। देखिए मैडम, देखिए 23 लाख लोग भाग गए वहां से, आसाम से, एनआरसी आपने लागू कर दिया। हमारे देश में आज भी इतनी गरीबी है कि आज भी किसी के पास मैडम डॉक्यूमेंट नहीं है। मैं गवाह हूं, मेरे चले जाइए झारखंड में, जामतरा विधानसभा में। हमें लगता है कि जो मेरा आदिवासी अल्पसंख्यक दलित है उसके पास आधार कार्ड नहीं मिलेगा, आपको पहचान पत्र नहीं मिलेगा, मालिक है लेकिन जमीन का पेपर नहीं मिलेगा। इरफान अंसारी एनआरसी लगने दे, इसका मतलब हम एनआरसी लगा दें पर, तो मैडम मालिक हम है, पेपर गुम हो गया तो क्या एनआरसी लग जाएगा हम पर? आप सोच लीजिए कि कितना हमारे जमीर को तोड़ने का काम भाजपा कर रही है, हमारे इंसानियत का, हमारी अच्छाई का फायदा भाजपा उठा रही है। हम लोग चलने नहीं देंगे इसको किसी कीमत पर, एकदम एक तरफा चलेगा एकदम। सर जवाब निकल कर नहीं आया कि पीएम मोदी के दौरे को आप कैसे, ठकाठक ठकाठक ठकाठक, हाँ चाप तीर धनुष लालटन चाप, ठकाठक ठकाठक ठकाठक, हाँ ठकाठक ठकाठक ठकाठक, हाँ चाप लंडन चाप तीर चाप, तीर चाप हाँ चाप लंडन चाप, लंडन चाप तीर चाप हाँ चाप, एकदम ठकाठक ठकाठक, एकदम बक्सा भरेगा लोग, मन मना लिया है मैडम। इतना अपमानित करते हुए आदिवासी के मुंह में पेशाब कर दिया, आप आदिवासी वोट करेगा? आदिवासी बहनों को नोच लिया, आप लोगों को बलात्कार कर दिया, क्या आदिवासी क्या समझते हैं? आदिवासी एक भी वोट भाजपा को नहीं करेगा। हम तो जा रहे हैं, माहौल तो है, तमाम युवा वर्ग को पढ़ा लिखा है, भलाई पैसा देते हैं तो गरीबी है झंडा उठा लेता है, वोट तो देखिए वो जब वोट देगा तो वो सोचेगा, अरे ये तो मेरे मुंह में पेशाब कर दिया, ये तो हमारी बहन को नोच लिया, बलात्कार कर दिया मेरी बहनों को, हाथ कांपेगा मैडम भाजपा को कमलपुर में वोट देने से हाथ कांपेगा। मुस्लिम तो भाई भाई में मरवा दिया, मॉब लिंचिंग करवा दिया, तड़पा तड़पा कर मरवा दिया, वोट करेगा कोई? मजबूरी है, बेबस है, लाचारी, गरीबी है, इसका फायदा भाजपा उठा रही, लेकिन वोट नहीं देगा। अब लिख लीजिए कोई आ जाए, पिकनिक कीजिए। हम लोग संभवतः हम लोग जनवरी में पूछ, हम लोग मेरे पिताजी या मेरे दादाजी कहते थे पूछ माह,
और हम लोग पुष्प सालो करते हैं उसको, आप लोग नहीं जानते, आप लोग शहर के लोग है ना, हम लोग गरीब, हम लोग गाँव के लोग है, हम लोग पुष्प सालो कहते हैं। पुष्प सालो का मतलब हुआ मैडम पूस, पूस का माघ में हम लोग बाहर खाते हैं खाना, समझ गया ना, पुष्प सालो मतलब घर में नहीं बाहर में जाके पिकनिक मनाइए। संदर्भ क्या है? हाँ, तो पिकनिक मनाइए मैडम, और वो 14 दिन होता है, 14 दिन का समय पीरियड होता है, उसी समय आप बाहर खा सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से भाजपा के लिए पुष्प सालो है ये, आइए अपना पिकनिक कीजिए और गेट आउट। गो 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 दीदी, गो गो योजना ला रहा है, बोलिए गो गो दीदी, बोलिए मैडम हम लोग इनकमिंग कर रहे हैं, देखिए एकदम खटाखट खटाखट योजना निकाल रहे हैं। अबुआ सम्मान, मैया सम्मान, मैया सम्मान पे कितना भारी होगा गो गो दीदी योजना? देखिए मैडम अभी से योजना आया भी नहीं, तब तक गो गो, व्हाट डू मीन बाय गो गो, कैन यू एक्सप्लेन मी, आई एम आस्किंग टू ऑल द सीनियर लीडर्स ऑफ बीजेपी, कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट डू मीन बाय गो एंड गो, प्लीज कम एंड टॉक टू मी। मैडम गो 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 मतलब गो, जनता ने मन मना लिया, आप खुद बोल रहे हैं गो, जनता तो गो कर दिया आपको, ठीक है, यहाँ होगा माँ माँ माँ, बहन बहन बहन, ठीक है, अबुआ 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 गो, चलिए गेट आउट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास बातचीत के लिए, हमारे साथ मंत्री इरफान अंसारी बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में झारखंड की जनता खटाखट तीर छाप लालटेन छाप और हाथ छाप पर ही वोट करेगी। इंतजार करना होगा, देखना होगा कि इस विधानसभा झारखंड की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।